नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जेजेपी को मिली बड़ी सफलता। जींद के कदावर नेता व पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता जेजेपी में शामिल। चौटाला हाउस में हुए जेजेपी में शामिल। निवर्तमान विधायक नैना चौटाला की मौजूदगी में शामिल हुए। इस अवसर पर इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भी मौजूद थे। वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया। मांगेराम गुप्ता जेजेपी में शामिल होने पर उनका स्वागत भी किया। राजनीतिक तौर पर हमेशा मांगेराम गुप्ता को मिला मार्गदर्शन। वहीं महावीर गुप्ता भी जेजेपी में हुए शामिल। महावीर गुप्ता मांगेराम गुप्ता के पुत्र हैं। दुष्यंत चौटाला को आगे बढ़ाने के लिए मांगेराम गुप्ता को मिला मार्गदर्शन। दुष्यंत चौटाला ने कहा, ये जेजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है। 90 हलकों में जिताई उम्मीदवार का चयन करने के मांगेराम गुप्ता की रहेगी हमेशा अहम भूमिका। पल पल सिरसा से अमर सिंह जणी की विशेष रिपोर्ट। जेजेपी को उस समय बड़ी सफलता मिली है जब जींद के कदावर नेता एवं पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता जेजेपी में शामिल हो गए हैं। चौटाला हाउस में पहुंचे जींद के कदावर नेता व पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता ने जेजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक नैना चौटाला और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला मांगेराम गुप्ता के जेजेपी में शामिल होने के स्वागत पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर हमेशा मांगेराम गुप्ता का मार्गदर्शन मिला है। मांगेराम गुप्ता के साथ साथ उनके पुत्र महावीर गुप्ता भी जेजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा के सभी 90 हलकों में जिताऊ उम्मीदवार का चयन करने में मांगेराम गुप्ता की अहम भूमिका रहेगी। आपको बता दें कि जींद के कदावर नेता मांगेराम गुप्ता ने चौधरी देवीलाल के साथ राजनीतिक तौर पर काफ़ी संघर्ष किया है। 1977 से 2009 तक लगातार मांगेराम गुप्ता चुनाव लड़े हैं और जींद के लोगों को एक अच्छी पहचान भी बना चुके हैं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। जगह पर आज सारा परिवार जेजेपी का के स्वागत में यहाँ आया है। मैं दिल की गहराइयों से इनका सिरसा में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमें राजनीतिक तौर पर ही नहीं, एक परिवार के बड़े होने के नाते आज से नहीं, दुष्यंत जब पहला चुनाव लड़े थे इनका सानिध्य मिलता रहा है। प्रोम एंड कॉन्स ऑफ राजनीति, यानी चाहे संगठन दूसरा रहा हो मगर जैसे दादा पोता का रिश्ता होता है, आदरणीय मांगेराम जी ने सदैव दुष्यंत को बड़े हक से सही और गलत राजनीति की दिशा के बारे में बताया है। सानिध्य उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, मैं ऐसा मानता हूं। पार्टी में इतने सीनियर कद के नेता का होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप मीडिया के लोग कई बार ये कहते हैं जेजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जेजेपी आज से पहले और आज के बाद अब दोगुना ताकत से और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। मैं चाहूंगा आदरणीय मांगेराम जी से कि वो भी मीडिया को संबोधित करें और मैं दिल की गहराइयों से फिर से इनका स्वागत करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये आंसर तो मैं ये करूंगा कि हमने ये टिकट आदरणीय गुप्ता साहब को दी है। मैं चुनाव लड़ा था, मेरे से दुष्यंत जी की बातचीत हुई और इस परिवार के शामिल होने से ना केवल ये सीट हम जीतते बल्कि जींद जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में इसका दावा पड़ता है। और ये ऐलान आप माने तय माने, बाकी ऐलान तो होता है जब टिकटें अनाउंस होती है, मैं इस बात की अनाउंसमेंट आपके बीच में कर रहा हूँ कि वहां से आवेदन जी ही चुनाव लड़ेंगे। अब ये बात नोट कर लो, कल ये कभी मेरे को कहा था इसलिए महादेव को वोट, महादेव ज्वाइन करो, महादेव को देख लिया। आप पार्टी के रक्षक, जितनी राजनीति में मैंने संघर्ष किया, मेरा परिवार इनका बहुत बड़ा परिवार देवलाल से लेके मेरे परिवार में मेरे से पहले कोई राजनीतिक व्यक्ति था ही नहीं। संघर्ष तो क्या राजनीतिक व्यक्ति, मैंने पहली बार
सन 1977 में जनता पार्टी की जो बहुत बड़ी लहर आई थी पहली बार हरियाणा में राजनीति में, मैंने उस वक्त इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था आज़ाद। आप देखो उस उत्तर में कितनी बड़ी हवा थी और मैं उसमें इंडिपेंडेंट विधायक बना। जब इलेक्शन लड़ता तो जाता इसलिए गए, लेकिन मैंने इनको जो बात की साफ कही, ना मैंने इनकी मुखालफत की कहीं पर भी, ना मैंने किसी का साथ छोड़ा। अब ये वहाँ के जो इनके पार्टी के आदमी हमारे मित्र तो हैं, उनके कहने से ये विचार इन्हें बदल लिया कि तो गुप्ता जी नहीं लड़ना चाहते तो इसके बेटे में क्या कमी, इसको लड़ा दो। अब हिंदू तो बहादुर के बेटों के समान ही है ना, अब ये तो समान है बहादुर के, क्यों बहादुर अगर लड़ गए तो कहेंगे इनका फैसला नहीं, मेरा कोई फैसला नहीं। और मैं कोई बात अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, मैं हरियाणा में क्या कर सकूंगा, जींद में क्या कर सकूंगा, करके दिखाएंगे आप, बस दिख जाएगा जो होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कोई पार्टी हरियाणा में कोई नेता मेरे कंडम नहीं कर सकता, बिल्कुल कोई भी। एक बात मैं कह रहा हूँ, 77 में 82 सीट आई थी जनता पार्टी की, सॉरी 2 चीफ मिनिस्टर बने थे, बीच में पार्टी ने स्प्लिट आया और सरकार बनी, मैं मंत्री बना। मैं ये कह रहा हूँ इस 5 साल के दौरान में कोई पार्टी जो बीजेपी की सरकार बनेगी ना, बीच में डूबेगी और ये सरकार बनेगी, मैं बता रहा हूँ।